डॉक्टर सोनल होमो स्पैशलिस्ट जो कि सेक्टर 28 चंडीगढ़ विखे स्थित है। डॉक्टर सोनल जी होमोपैथिक विच बहुत ही वधिया तरीके नाल अपनी सेवावां निभा रहे हैं और हमेशा ही मरीजों की देखभाल लई तैयार रहिंदे हन। साडी पंजाब प्लसी टीम ने डॉक्टर सोनल जी नाल विशेष गलबात कीती, आओ नज़र मारदे हां इस दीआं झलकियां ते। डॉक्टर हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सोनल जी के साथ, जो कि नई नई टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं और कोई ना कोई नई खोज इनकी रहती है। डॉक्टर आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो। थैंक यू सो मच, आप हमें बार बार मौका देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंजाब प्लस का और दर्शकों तक हमारी बात पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी की, जो कभी कभी पहले हुआ करती थी और लोग छुपाते थे आज से 25-30 वर्ष पहले, लेकिन आजकल तो इनफर्टिलिटी है जो एक आम, जैसे कोई बुखार हो गया, जुकाम हो गया, उसी तरह से इनफर्टिलिटी तो एक बहुत कॉमन चीज हो गई। क्या कारण है उसका? आप देखो, जो भगवान ने एक बड़ी नेचुरल सी चीज बनाई थी कि प्रेगनेंसी एक नेचुरल होना चाहिए, आज अगर आप IVF सेंटर्स देखें तो भरे हुए हैं। सबसे ज्यादा बिजनेस मेरे ख्याल आज IVF सेंटर का चल रहा है। पीछे एक मूवी भी अभी रिसेंटली गुड न्यूज जो आई है वो इसी पर बनी हुई है। तो क्यों इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ रही है? यंग बच्चों में पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, तो शुरुआत वहीं से हो जाती है कि हमें ध्यान रखना होता है कि इनफर्टिलिटी किस वजह से आ रही है। तो बेसिक प्रॉब्लम जो आज बच्चों में आ रही है वो एक तो वो डाइट उनकी ठीक नहीं है, सो एक लाइफस्टाइल डिजीज, क्योंकि उनकी सिटिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा है, एक्सरसाइज करनी नहीं है, जाना है तो जिम जाना है, वो एक्सेस करना है और उस टाइम पे डाइट प्रॉपर नहीं लेनी, तो उससे उनका जो हार्मोन लेवल है या उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से ये PCOD इनफर्टिलिटी, पीरियड्स का इररेगुलर होना, कई बच्चों में पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं और कईयों में रेगुलर चल रहे हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है। तो वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, एक तरह की ये लाइफस्टाइल डिजीज है जिससे आगे थायराइड की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ये सब हम यंग बच्चों में देखने को मिल रही है। उन्हें लगता है बड़ा इजी है, कोई बात नहीं, IVF करा लेंगे। क्या IVF इतना आसान है? जितने हार्मोन्स वहां दिए जाते हैं तो एक बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट आता है वो ही जानता है जो ले रहा है। सो इतना इजी ट्रीटमेंट्स नहीं है ये। होम्योपैथिक इसमें आपको बहुत हेल्प कर सकती है अगर आप इसको प्रॉपर टाइम पे डायग्नोस करा लेते हैं। डायग्नोसिस के लिए एक अल्ट्रासाउंड और एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना कैलेंडर मेंटेन करें पीरियड्स का कि आपको प्रॉपर रेगुलर आ रहे हैं पीरियड्स, तो ठीक है। अगर आपको लगता है रेगुलर नहीं है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जो कराइए और फिर आप इसमें होम्योपैथिक में जा सकते हैं, जो आपको 100% हमारे पास केसेस हैं जो ठीक हुए हैं PCOD के, और वही सबसे बड़ी वजह है आज इनफर्टिलिटी। PCOD का कैसे हमें पता चले कि जब हमारे पीरियड नॉर्मल है तब हमें पता चल जाएगा इसके कि आप लोग इसके बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं? PCOD के कई सिम्टम्स हैं, हम इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम लोग इसकी रेगुलर अवेयरनेस करते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स हैं। इसमें बच्चों में अगर वेट बढ़ना शुरू हो गया, या आप देखते हैं कई बार जो फेस पे हेयर ग्रोथ हो जाती है, हेयर फॉल आपने देखा आज बच्चों में बाल्डनेस या लड़कियों में हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है, एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं फेस पे, देन ब्राउन पैचेस आ सकते हैं, ये कुछ सिम्टम्स हैं। डिप्रेशन बच्चों में उदासी सी रहने लग जाती है, कई बार ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, तो ये सिम्टम्स जो है ये सारे PCOD के ही हैं। PCOD एक सिंड्रोम है, PCOS, जिसके अंडर ये कोई भी सिम्टम हो तो हम इस पे डायग्नोसिस कराते हैं। अब इसमें हमें क्या टेस्ट जरूरी होते हैं? एक हमें अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं हार्मोन के, जो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके वो करा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो मिनिमम 6 महीने के अंदर आप बिल्कुल इससे क्योर हो जाते हैं। कई केसेस में अगर सिस्ट ज्यादा है या हिमोरेजिक सिस्ट है, वो भी हम लोगों ने ठीक की है। हमारे पास इस तरह के केसेस हैं जिसमें हिमोरेजिक सिस्ट भी 100% ठीक हो गई। एंडोमेट्रियोसिस के केसेस, जो कि मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है ठीक करना, और उसमें पेशेंट को ही पता है जो एंडोमेट्रियोसिस वाले हैं कि कितनी तकलीफ उनको होती है, हर महीने जब पीरियड्स आते हैं तो वो पेन से सफर करते हैं, पर होम्योपैथिक हम लोग उसको भी ठीक करने में कामयाब हुए हैं।
सर ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि एंडोक्राइन प्रोसेस के केस में तो आमतौर पर यूट्रस रिमूवल और इसी चीज के लिए लोग सोचते हैं, तो एंडोक्राइन प्रोसेस का भी बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका हमने सर्जरी उनकी बचाई है और आज भी वो पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, और पर उसमें दवाई आपको रेगुलर और पूरे जिस तरह से बताई जाए उस तरह से लेनी पड़ती है, थोड़े लंबा टाइम में भी साल या 1.5 साल वो डिपेंड करता है, पर आप इसमें ठीक हो जाते हैं, 100% इसका क्योर है। बिल्कुल जी, इनफर्टिलिटी का हमारे पास बहुत से पेशेंट्स हैं, ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स में ही प्रॉब्लम आ रही है, आज मेल्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उनका स्पर्म काउंट इतने अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं मोबाइल्स, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जिम करने का तरीका, क्योंकि हम लोग सोचते हैं मसल्स बना लो उस हिसाब से डाइट ले लेते हैं और एक्सरसाइज भी एक्सेस करते हैं, तो ये सब चीजें आपके स्पर्म की क्वालिटी और काउंट पे इफेक्ट करती है, वो भी हम साथ में ट्रीट करते हैं, हम दोनों को लेकर चलते हैं, पर यस अगर हम उसको पहले से ही ठीक कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को तो इनफर्टिलिटी का तो मतलब ही नहीं है, आपको कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ता। जैसे आपने फैटी लिवर की बात करी है तो क्या हेपेटाइटिस बी सी में भी ये जो होम्योपैथी है इसका यूजफुल है? बिल्कुल है, पर उसमें हमें साथ में कुछ मेडिसिंस दूसरी भी देनी पड़ती है, पर होम्योपैथिक में इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत जल्दी रिकवरी होती है लिवर की। लोग असल में लिवर की बात सुन के कुछ डर ज्यादा जाते हैं, डर की वजह से अपनी विल पावर को लो कर देते हैं और जिससे रिकवरी उतनी स्लो होती है, बट आज हर बीमारी का इलाज बहुत अच्छा है, चाहे वो एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, पर उसको अगर पेशेंट प्रॉपरली करता है तो वो ठीक हो जाता है। होम्योपैथिक में लिवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें हर तरह के हम हेपेटाइटिस बी और सी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और फैटी लिवर को भी हम ठीक कर सकते हैं। जैसे डिप्रेशन, जिसका अक्रंस पहले बहुत कम था लेकिन आजकल डिप्रेशन का बहुत अक्रंस बढ़ चुका है और हर घर में कोई ना कोई एक आधा जो है, या तो जो बच्चे जन्म देती हैं महिलाएं उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा ही आपने इस टाइम पे क्वेश्चन पूछा क्योंकि आप डिप्रेशन के हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं क्योंकि मेरा काउंसलिंग का भी काम है, और स्पेशली आजकल विमेन से पहले जैसे आपने लेडीज की बात की उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी स्टूडेंट्स की, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं 10th और 12th के और आजकल हमारे पास बच्चों के बहुत इस तरह के कॉल्स भी आ रहे हैं, पेरेंट्स के भी, बच्चे एकदम से एंग्जाइटी में चले जाते हैं, क्या वजह है आज बच्चे स्ट्रेस क्यों हो रहे हैं, एग्जाम हमने नहीं दिए, हमने भी यही 10th 12th की है तब तो कोई हमें स्ट्रेस नाम भी नहीं पता था, पर आज घर का एनवायरमेंट ही ऐसा होता है जब पेरेंट्स ही स्ट्रेस में रहेंगे या घर आके जब शाम को वापस आते हैं अपनी कंपनी से या जॉब से तो बोलेंगे आज हमारा दिन बहुत स्ट्रेसफुल रहा, तो बच्चा क्या कैच कर रहा है, वही वर्ड और वही एनर्जी वो कैच करता है उनसे और उसको लगता है कि शायद ये चीज बहुत मुश्किल है, जबकि एग्जाम एक नेचुरल चीज है, 10th 12th कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, जो हम नंबर्स को देखते रहते हैं पेरेंट्स अगर, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि नंबर्स को छोड़ के ये वाला टाइम 1-1.5 महीना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ बात करो, वो अपनी मन की बात आपको बताएंगे, पर तभी बताएंगे जब आप क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे, उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन या एडवाइस देने के बजाय उनकी बात सुनिए, उनकी बात सुनने से एक तो उनमें एंग्जाइटी नहीं आएगी, वो रिलैक्स्ड फील करेंगे और उन्हें ये तसल्ली दिलाइए कि मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, आप अपनी मेहनत कीजिए। सबसे ज्यादा इस टाइम पे मेरे ख्याल से ये जरूरत है कि स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि वो इससे घबराए नहीं और इसको एक 10th 12th और इस एग्जाम्स को हवा नहीं बनाए, सारी लाइफ ही हमारी एग्जाम्स है, अगर देखें तो क्या काम में हम रोज टेस्ट नहीं देते, रोज एक पेशेंट अगर हम देखते हैं वो जब ठीक होता है तो वो हमारा टेस्ट है, सो एंग्जाइटी या स्ट्रेस वर्ड यूज करना बंद कर दीजिए और घर में एक फैमिली एनवायरनमेंट बनाइए, इकट्ठे खाना खाइए, इकट्ठे थोड़ी देर क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, तो ये स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा, इजी लीजिए जिंदगी को, कहीं रेस में हमने क्यों भाग दौड़ हमने लगाई हुई है कि वो फर्स्ट आ गया, ये बच्चा मेरा फर्स्ट नहीं आया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज हमें अपने नंबर याद भी नहीं है कि हमने 10th में क्या मार्क्स लिए थे, पर हम लाइफ में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, सो अपने आप पे विश्वास रखिए, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में ये जो प्रॉब्लम है ज्यादा मतलब देखने को मिल रही है
एक आधा बच्चा हो जाता तो क्या कारण है, क्या मतलब उसमें हार्मोनल चेंज होती है जब बच्चे मतलब दूध पीते हैं माँ का, और क्या ऐसा होता है जब एक लेडी मदर बनने के बाद उसकी कुछ मूवमेंट्स जैसे वो पहले होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर वो जॉब भी पहले करती है तो कुछ देर वो जॉब भी नहीं जा रही, वो सारा दिन घर के उसी इन्वायरमेंट में रहती है, और कुछ हार्मोन्स भी उसमें चेंज हो रहे होते हैं जिस वजह से उदासी डिप्रेशन वो होना एक नेचुरल होता है। पर अगर आप सारे घर के लोग कोऑपरेट करें और उसके हस्बैंड भी अगर लेडी के कोऑपरेट करते हैं और उसको कुछ देर के लिए बाहर जाने देते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ या कहीं वो जहां पार्लर जाने दे या कहीं जहां वो अपने आप को खुश महसूस करती है बाहर जाए, तो उससे ये डिप्रेशन या लोनलीनेस या उदासी कम आएगी उसमें। क्योंकि जब वो सारा दिन उसी इन्वायरमेंट में रहती है और प्रॉपर नींद भी उसको नहीं मिलती, अगर आप देखें बच्चा छोटा है तो वो प्रॉपर रेस्ट भी नहीं कर पाती, तो इसमें सब फैमिली मेंबर्स का बहुत ज्यादा रोल है उसको ठीक करने में। और इसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन तो मिरेकल की तरह काम करती है इन न्यूबॉर्न्स और जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि आपके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप सेफली इन दवाइयों को दे सकते हैं, और उससे आप देखेंगे अगर बच्चों को, जिन बच्चों को हमने दवाइयां शुरू में दी हैं, तो वो 5 साल तक इतनी अच्छी इम्यूनिटी हो जाती है कि बच्चा आगे जाके आपको एंटीबायोटिक या किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। होम्योपैथिक की 3 डोज ही आपको ठीक कर देती है, इट वर्क्स लाइक वंडर्स। अगर हम बात करें बाल झड़ने की, तो बाल झड़ना आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है और गंज जो है लोगों के पड़ रही है छोटी छोटी एज में, और वो भी डिप्रेशन भी साथ में ले रहे हैं, क्या होम्योपैथी में इसका भी कारगर इलाज है? बिल्कुल है, बाल्डनेस का बहुत अच्छा इलाज है। बाल्डनेस भी किस वजह से हुई है वो देखना पहले जरूरी है। पीसीओडी में भी बाल्डनेस हो जाती है, थायराइड में भी बाल्डनेस हो सकती है, यंग बच्चों में आज क्योंकि वो कलर्स या ट्रीटमेंट्स इतने लेते हैं उस वजह से भी बाल्डनेस हो सकती है। पर उसका कोई भी वजह रही हो, होम्योपैथिक उसको ठीक करने में कामयाब है और बहुत अच्छी और बहुत जल्दी उसको फर्क पड़ता है, कोई हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती या कोई और आर्टिफिशियल आपको कुछ ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक कैन क्योर बाल्डनेस इन ऑल द केसेस, चाहे वो लेडीज हैं या मेन हैं, वो दोनों में मेल फीमेल में इक्वली काम करती है। हमारे पास बहुत से इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनके इवन आईब्रोज भी चले गए थे और आज वो बिल्कुल ठीक है और उनके दोबारा सब हेयर ग्रोथ वापस आ गई है, छोटे बच्चों में भी और बड़ों। डॉक्टर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉट ऑफ डाटा, और हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे आपकी जो है यूजफुल टिप्स हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करें। आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप हमारी इसी तरह पहुंचाते रहिए। थैंक यू वंस अगेन पंजाब प्लस, थैंक यू।